सर यहाँ पे अभी बम आया क्या? अभी नहीं आया था, अभी बम नहीं है तो सड़क पर बैठ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। सर एक यहाँ पे फोटो कर ले। अनुपम थोड़ा एम्बेरस मेरा पर्पस ये है कि वो लेट आया, मैं उसको एम्बेरस करूँ। हम पहले पहुँच गए हैं, उसने मुझे पैसे भेजा बेचारे 11:20 को आना था। साधु बस सर इधर है। महाराज की जय हो। आइए सर, सर आइए, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, हट जाओ। 40 साल बाद सो गए भाई साहब, अंदर से जागे हुए, अंदर से 40 साल से जागे बस। नीचे वेट कर रहे मेरा चप्पर बिल्कुल भैया, ये इतिहास गवाह है कि ये स्टार आ रहा है मेरे आने के बाद। मैं पहले आया हूँ, नहीं ऑफिशियल टाइम आपका 11:15 पे, मेरा ऑफिशियल टाइम आपने मुझे भेजा था 11:20, मगर मैंने सोचा कि आपको अटैच आपको बीच मेरे टाइम से पहले आया है। बड़ी सिर्फ पहन सजावट के लिए, चलो ये जोर से बोलो ना, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो सुनिए, ये है शोभा, और ये है जिन्होंने 10 प्रतिमा देखी आपकी तरफ, सारांश है, सारांश अभी, और ये है दत्तू साहब जिन्होंने सुबह भेजा है आपका ये। मैंने 125-150 बार से ज़्यादा देखा, नहीं नहीं हाँ मैंने 84 के बाद सब 40-50 बार तो हमने राष्ट्रीय प्रोडक्शन में देखी थी। हाँ मगर मैंने 84 के बाद आज दिन मैंने लास्ट टाइम देखी थी मॉस्को में विथ मिस्टर बच्चे एंड मिस्टर बी एन गार्गिल जो थे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो 4,000 लोगों का ऑडिटोरियम था और स्टैंडिंग ओवेशन में तो सब स्पॉटलाइट है। मैंने भी सुबह 5:30 बजे देखी, 5:30 तो बहुत रोया, बहुत आइए सिस्टर हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। आइए हमारे आपको गेस्ट ऑफ ऑनर है, उनकी दुकान खुली रहती है ना, सोच रहे आप दोनों साथ में तो आगे वो साथ ही। हमने जहाँ इतनी सजाई है दुकान तो हमेशा कितना भी दे दो उससे ज़्यादा रहता है, और हम सालान से कनेक्टेड ही बात करेंगे और फिर वापस। अगर तुमने कुछ और पूछा ना तो शायद कहूँगा, तुम्हारे सवाल पूछने का अधिकार है, मेरे जवाब नहीं देने का भी मुझे अधिकार। वाह अच्छा ठीक है, चलिए मेरी नई गाड़ी आज नहीं बच्चा दादा, थोड़ा बिल्कुल रहो।
गाड़ी देख लो, गाड़ी के साथ फोटो। इसको मैंने 30 रुपए दिए थे टैक्सी में वापस जाने के लिए। ये इतिहास गवाह है कि 30 रुपए मैंने दिए थे, मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, तो बड़े शर्मिंदा थे कि भैया वापस जाने के लिए पूछ लूँ कि नहीं पूछूँ। पैसे थे नहीं वापस जाने के लिए, ऑटो के मैंने 30 रुपए दिए थे, 30 रुपीज़। और उसके चक्कर में आज तक कम से कम इसका कॉस्ट क्या है क्या करें? छोड़ दो। हाँ जी, मैसेज भेजा तेरा बड़ा ठंडा रिस्पॉन्स आया। स्टोरी वहीं से स्टार्ट करेंगे जो आप बोल रहे थे कि आज सर के पास ना आपके पास करोड़ों की गाड़ी है, जिक्र हो रहा था 100 रुपए के ऑटो के पैसे के, वहीं से एक्टर शेपेयर की कहानी आप लोगों की चालू हो गई थी। स्टोरी वहां से शुरू नहीं करेंगे जहां से आप चाहते हैं, स्टोरी वहां से शुरू होगी जहां से स्टोरी शुरू होती है। 40 साल पहले आज ही के दिन 2 फरवरी 1984 में फिल्म सिटी में एक सीन हमने शूट किया था जहाँ पर एक बुज़ुर्ग एक कस्टम ऑफिसर के कमरे में घुसता है और चिल्ला कर कहता है कि क्या मुझे अपने बेटे की अस्थि को हासिल करने के लिए भी घूस देनी पड़ेगी। उस सीन ने लोगों के दिनों में जाकर ऐसा अपना एक स्थान बनाया है कि 40 साल बाद भी उसका जिक्र होता है। ये जो एक्टर प्रिपेयर्स का जो स्कूल है जो 19 साल से चल रहा है, 5 तारीख को उसके 19 साल हो जाएंगे बच्चा, 19 साल से चल रहा है जहाँ पर ये शिक्षा देते हैं नौजवानों को जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, उसकी बीज उस दिन बोई गई थी, आज ये वृक्ष बन गया है। और आज इस वृक्ष के नीचे बहुत सारे लोग आते हैं, उसकी छाँव में आनंद लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और जाके अपना भविष्य जो है तराशते हैं। तो उस वक्त ये जो नौजवान आया था वो जैसे मुंबई में हज़ारों लाखों लोग आते हैं सपने लेकर, मगर अगर आप करीब से शहर को महसूस करें तो इस शहर के गटर से मरे हुए सपनों की बू भी आती है। वाह, बहुत कम लोग हैं जो अपने जज्बे के बल पर, अपने इरादे के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर
कहीं पर एक मकाम बनाते हैं, क्योंकि ये पेशा जो है किसी को माफ़ नहीं करता, ख़ास करके नाकामयाब लोगों को। और यहाँ पर इस नौजवान ने जब दरवाज़ा खटखटाया मेरे घर का और मैंने दरवाज़ा खोला, तो मुझे आज भी याद है वो एक चेहरा था जिसकी आँखों में एक नूर था और एक उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ हो जाएगा। और मुझे ठीक से याद है कि मुझे तुम्हारा नाम याद आ गया। हाँ बच्चा, आई वॉज वेरी हैप्पी। उन दिनों डायरेक्टर्स जो हैं स्ट्रगलिंग एक्टर्स के फ़ोन उठाया करते थे, वो एक प्रथा थी। और हम भी खास कामयाब नहीं थे, मगर उठाने की प्रथा जो है उस वक्त ही आज नहीं है। तो वहाँ से इस नौजवान का सफ़र शुरू हुआ। 28 साल का था जब उससे मैंने एक 65 ईयर्स ओल्ड कैरेक्टर का किरदार दिया। लोगों को लगा कि एक बूढ़े का रोल होगा, उनकी जहनीत पर तरस आया मुझे कि जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो मुझे पता है, और शायद इस बच्चे को भी पता नहीं था कि क्या बना रहा हूँ मैं। मगर इसकी जो ख़ास बात है, इसकी एक्टिंग की कला, ये तो गोल्ड मेडलिस्ट थे जब आए थे जी, ये शिक्षा देते थे लोगों को एक्टिंग के, मगर जब ये इसकी जो ख़ास बात है वो समर्पण करना। समर्पण का जो ज्ञान है ना, ये कोई आप किसी को दे नहीं सकते, वो आपकी फितरत में आपकी रूह में होता है या तो नहीं होता है। जब तक आप समर्पण नहीं करते उस किरदार के को, वो बिल्कुल अपनाते नहीं हैं, तब तक वो संभव ही नहीं है कि सारान जैसी परफॉर्मेंस आप दें जो मैंने कल 84 के बाद में देखी। मैंने कल मैंने लास्ट देखी थी मॉस्को में, बच्चन साहब थे, गाडगिल साहब थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, रशिया में ऑफिशियल एंट्री थी, ये वहाँ पर स्पेशल क्रिटिक्स अवार्ड मिला था, 4000 लोगों की ऑडिटोरियम में अनुपम, वहाँ पर ये फिल्म देखी थी हमने, और स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, स्पॉटलाइट मेरे पे आप आ गई थी, तो अमिताभ जी ने मुझे पीछे से ऐसा इशारा किया, भाई उठ, तेरे के लोग तेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, अभी डायरेक्टर्स के लिए तालियां बजाने क्या की परंपरा कहाँ थी यहाँ पर। तो वहाँ से जो एक मैंने लास्ट मरतबा देखी थी फिल्म ये, और कल मैंने देखी, मतलब आज जाके बच्चों से बात करनी है सारांश के बारे में, अनुपम के बारे में, और अनुपम की खास करके उस अदा के बारे में जो इन बच्चों को अपनाना चाहिए, क्योंकि हुनर तो मिल जाएगा, स्किल्स तो मिल जाएगी, मगर वो कहाँ से लाओगे। तो उसके बाद में मैंने जब कल फिल्म देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस फिल्म में इतनी ईमानदारी, इतनी पाक फिल्म है। यहाँ तो वीकेंड नहीं चलती फिल्में, हमने भी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, हमने ज़्यादा फ्लॉप्स बनाई हैं हिट्स के कम के अलावा, मगर कहीं पर इसकी रूह में कुछ बात थी, वो बात कहीं इसके दिल से निकली थी, वो ईमानदारी इस बच्चे में थी, वो प्यास इस बच्चे की थी। मैंने उसे दिशा दी, उस किरदार के अंदर उसको मैंने बोया, और उसने वो किया है जिसको मैं आज भी देखकर हैरान हो जाता हूँ कि कैसे किया इसने, ये तो बड़े बड़े कलाकार नहीं कर सकते। आई डेयर एनी बडी टू सी सारांश एंड डू दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। इतनी करुणा, इतना प्यार, इतना दर्द और इतनी हिम्मत का जो है कहीं इसने अंदर से निकाली ना, अपनी रूह से निकाली। डायरेक्टर तो सीन दे सकता है, समझा सकता है, इंस्पायर कर सकता है, मगर आखिरकार निकलेगा कहाँ से? इसके जिस्म से निकलेगा ना, इसकी रूह से निकलेगा, इसके संस्कार से निकलेगा, इसकी तहजीब जो इसके अंदर है, इसके DNA में है, वहाँ से निकलेगा। वो बोलती है, वो हिंदुस्तान की जो शान है, हमारे पुरखों की जो शान है, वो ऋषियों की जो का जो मुल्क है, उसका जो नूर है, उसके रोम रोम में चमकता है सारांश। तब मैं और भट्ट साहब टैक्सी में घूमते थे और टैक्सी में शूटिंग पे जाते थे, और मैंने इसलिए समर्पण किया था भट्ट साहब, बिकॉज जो आपने इंसान, और ये बार बार बोलते हैं, मैं 28 साल का था, ये 34 साल के थे सर। फॉर ए 34 ईयर ओल्ड मैन टू थिंक, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने आज लिखा भी है कि उस फिल्म में सिर्फ टैलेंट की वो नहीं थी, उस फिल्म में वो सारे साल जो बेइज्जती के थे, जो लोगों का मतलब ना मानना,
उसमें सारा डाला गया था। पर हम टैक्सी में घूमते थे और फिर उसके बाद परंपरा ये हुई टैक्सी में, समझ में आ रहा है आपको, टैक्सी में। और फिर हम एक बार टैक्सी में घूम रहे थे तो एक आदमी, पिक्चर रिलीज़ हो चुकी थी और हम जा रहे थे, तो वो आदमी बोला ए टैक्सी में, तो मुझे बड़ी परेशानी हुई। मैंने कहा मैं नई नई गाड़ियाँ खरीदूंगा जब जब हूँगा। तो आज फिर मैं इनको हर फिल्म के 100 रुपया देता था, नहीं 300 रुपये, 300 देता था, एक वीडियो कैसेट खरीद के देते थे। हाँ, फिर मैंने रेट जैसे कामयाब होता गया तो मैंने अपना कमीशन बढ़ाना शुरू कर दिया और मैं गुरु दक्षिणा जो है बिल्कुल छाछी ठोक के दुनिया का ताने देता हूँ और लेता रहूँ बहुत। फिर वो 300 का 500 हो गया, 500 का 1000 हो गया, 1000 का 5000 हो गया और आज 50000 हो गया। आज 50000 दिया है इससे पहले मैंने उनको। हाँ, आपकी आंखें जो है ऐसे कि न्यूज तो अब मिली है कि अनुपम खेर से महेश भट्ट ने 50000 रुपये लिए, गुरु दक्षिणा दिया अधिकार से। मैं जो भी आज हूँ ये मानते नहीं है, मगर ये मेरा इनका इसका श्रेय। अगर ऐसी फिल्म नहीं मिलती मुझे तो 40 साल की कामयाबी शायद हासिल नहीं होती। आज भी मैं बाहर घुमा फिरा के सारांश पर डिपेंड कर सकता हूँ। एक ही फिल्म चाहिए होती इस तरह की लाइफ। हाँ, ये बात सही है, एक ही फिल्म चाहिए होती। अगर मार्लन ब्रांडो को हम गॉडफादर से जानते हैं, ऑबिचुरी फिल्म, आपकी ऑबिचुरी की फिल्म होती है। हाँ, कि वहाँ से शुरुआत लिखी जाएगी। तो वी आर वेरी हैप्पी और आज हम यही बातचीत सारांश के ऊपर एक मास्टर क्लास भट्ट साहब के साथ करने जा रहे हैं कि उन यादों को, उन बातों को हमने कैसे हासिल किया, ताकि आने वाली जो पुश्तें हैं, आने वाले जो लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंत में एक्टिंग ही काम आती है, मार्केटिंग काम नहीं आती है। मार्केटिंग अब ज़रूरी हो गई आजकल, बट एक्टिंग इज़ वॉट इज़ फाइनली दैट विल टेक यू टू दिस इवेंट। और वो जिससे बात आपने शुरू की थी और मैंने बात काट दी उस पर भी आते हैं। ये मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आते थे, साथ में हुआ करते थे। इन्होंने एक बात नौजवान राहुल राय को कही थी जब आशिकी में मैंने कास्ट किया था, उसने मैंने कहा अनुपम खेर बहुत अच्छे शिक्षक, एक्टिंग के टीचर बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने अनुपम देखा राहुल को, समझा कुछ मत करो तुम, सब भट्ट साहब के साथ घूमते रहो बस, जहाँ जाए तो घूमते रहो, मैं भी यही करता था। तो ये आते थे मेरे साथ में, मैंने एयरपोर्ट पर छोड़ने आया था, मैंने महसूस किया कि इसके अंदर थोड़ी सी एंग्जाइटी है कि मैं वापस कैसे जाऊंगा यहाँ से। तो मैंने कहा पैसे नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास। बोला नहीं, हाँ नहीं। तो मैंने अपने जेब में से 30 रुपये निकाले ऑटो रिक्शा के, क्योंकि इसकी हैसियत ऑटो रिक्शा नहीं, मसाफे में। मैंने पता क्या किया, मैं वापस बस में गया और बचा वो 30 रुपये, फिर मेरा एक हफ्ते तक चले। हाँ, तो ये वहाँ से आए हैं। तो आज इन्होंने नीचे कुछ 1 करोड़ की गाड़ी जो है कि अगेंस्ट खड़े होकर तस्वीर जो है खिंचवाई है बड़ी शान से, मगर लोग उस गाड़ी का की कॉस्ट को देख के तो बड़ी ईर्ष्या करेंगे, मगर उसकी जो जड़ें कहाँ हैं वो यहाँ हैं। थैंक यू, थैंक यू। इससे ज़्यादा हम बोल नहीं सकते, वहाँ वहाँ भी बहुत बोलना है। Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you.